यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्यार भरे परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए हमने यह टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आप ये प्रोग्राम अवश्य देखेंगे और इस प्रोग्राम का समय है हर शनिवार शाम 8 से 8:30 के बीच यह प्रोग्राम प्रसारित होगा। हम आशा रखते हैं कि आप यह प्रोग्राम देखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए। तू हमारे अंतरात्मा में उतरा और तेरा जो वचन हम तक पहुँचने वाला है वो हमारे हृदय तक पहुँचने दे। हमारे जीवन में उसका आचरण हम करें और तेरी राह पे चले, और परमेश्वर तेरा वचन सुनकर हमारा जीवन तेरे आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। This is the day that the Lord has made. आज ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया। We will rejoice and be glad in it. हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। I want to tell you all, every day get up thanking and praising the Lord for the day is given to you. प्रतिदिन जब आप उठते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका धन्यवाद करते हुए उठिए। You know, even you should thank God for small things that he has given to you. छोटी-छोटी चीजें जो परमेश्वर ने आपको दी हैं उसके लिए भी आप उसका धन्यवाद कीजिए। Because there are so many people who have to wait for somebody else to come and make them ready, feed them. बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर है, उनकी इंतजार करते हैं कि वो आके उनको खाना खिलाएं और उन्हें तैयार करें। I know one sister, this is the 8th year that she cannot get up from the bed. एक बहन को मैं जानता हूँ जो पिछले 8 साल से अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रही है। She has always wait for somebody to come and give her water. उसे हमेशा इंतजार रहता है कि कोई आकर उसको पानी दे। She has to wait for somebody to come and change her clothes. किसी के आने का इंतजार रहता है कि आकर उसके कपड़े बदले। And she has to wait for somebody to come and spoon feed her food. उसे इंतजार रहता है कि कोई आकर उसे खाना खिलाए। 8 years. 8 साल हो गए। Compared to that, you and I are so lucky. उसकी तुलना से हम और आप बहुत सौभाग्यशाली। God has strengthened us to do everything by ourselves. For that, you should praise Him and thank Him. परमेश्वर ने हमें सब कुछ अपने आप करने के लिए ताकत दी है, हमें उसके लिए महिमा करनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना। लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट द एंड टाइम्स। पिछले सप्ताह हम अंतिम दिनों की बात कर रहे थे। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वर्स्ट नॉट बेटर। हम ये बात कर रहे थे कि आने वाले समय में हालात बदतर होंगे, बेहतर नहीं होंगे। 100 पीपल में से 100 थिंग्स, सैकड़ों लोग सैकड़ों बातें कह सकते। बट वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज will surely 100% come to fulfill. जो परमेश्वर का वचन कहता है वो 100% पूरा होगा। And John says that when he was in the spirit of the Lord, he saw the new heavens and the new earth. यहूना कहता है कि जब वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था तो उसने नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा। There is one lady called Ellen G. White. एक औरत जिसका नाम Ellen G. White है। She had a visitation to heaven. उसने स्वर्ग का दृश्य देखा। Once when she was praying, एक बार जब वो प्रार्थना कर रही थी, suddenly she felt that her spirit was lifted up. तो उसने ये महसूस किया कि उसकी आत्मा को ऊपर उठाया गया। And she was traveling towards heaven at a very great speed. और वो बहुत तेज गति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रही है। And when she was traveling, she was not feeling that irritation in the eyes or on the body. और जब वो ऊपर को तेजी से जा रही है उसके शरीर में या आंखों में कोई परेशानी नहीं उसे महसूस हो रही है। And very soon she entered the gates of heaven. और बहुत जल्द वो स्वर्ग में दाखिल हो गई। She says when she entered, it was like a sea of glass. She forgot everything about the earth that was happening and that she remembers nothing. और जब वो बताती है कि जब वो वहां स्वर्ग में दाखिल हुई तो बिल्कुल कांच की तरह साफ था स्वर्ग, और वो जो कुछ धरती पे था वो सब कुछ भूल गई। And when she landed in heaven, all her worries and thoughts and fears disappeared. और जब वो स्वर्ग में पहुंची तो उनकी जितनी चिंताएं थी और जितना भय था सब खत्म हो गया। And she was completely living in the perfect peace and happiness. वो संपूर्ण शांति और खुशी में वहां रह रही थी। And the Lord showed her so many things. प्रभु ने उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई। What is going to happen from the beginning to the end? शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ होगा सब दिखाया। So I want to tell you today, आज हम आपको बताना चाहते हैं। On this earth,
यू मे हैव लॉट ऑफ पेन सफरिंग एंड टीयर्स. इस संसार में रहते हुए बहुत पीड़ा दर्द और आंसुओं का जीवन आपका हो सकता है. यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. बिकॉज जीसस, इफ यू एक्सेप्ट हिम एज अ सेवियर, ही विल कम एंड टेक यू टू हेवन. यदि आप यीशु को अपना मुक्ति दाता मानेंगे तो आपको स्वर्ग ले जाएगा. बिकॉज व्हेन ही टेक्स यू टू हेवन, देयर आर फ्यू थिंग्स प्रॉमिस्ड इन हेवन. और जब वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका वायदा किया. इफ यू रीड रेवलेशन 21 वर्सेस 4, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 4 पद को देखें. बाइबल सेज एंड गॉड शैल वाइप अवे ऑल देयर टीयर्स फ्रॉम द आईज. यानी कहा वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा. यू नो व्हाई गॉड वांट्स टू वाइप अवे योर टीयर्स. परमेश्वर आपके आंसू क्यों पोंछना चाहता है? बिकॉज मे बी गॉड नोज देयर आर सो मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ टुडे लिविंग हु आर क्राइंग एंड देयर इज नोबडी टू वाइप देयर टीयर्स. हो सकता है कि प्रभु जानता है कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और रो रहे हैं, लेकिन उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है. टुडे इवन व्हेन यू लुक एट द अफ्रीकन कंट्रीज एंड सीरिया, देयर आर लेडीज हु हैव बिकम विडोज एंड देयर क्राइंग टू द लॉर्ड टू ओनली डिलीवर देम. आप यदि अफ्रीका के कुछ देशों में देखेंगे, सीरिया में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी औरतें ऐसी जो विधवा हो चुकी हैं और वो परमेश्वर के सामने दुहाई दे रही हैं कि उन्हें मुक्त कर. एंड द न्यूज इफ यू कैन सी इट टेल्स अस दैट देयर इज नो टाइम इन हिस्ट्री वेयर टीयर्स वर शेड एज टुडे. इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं आया, यदि आप अखबार या टेलीविजन पर देखें, कि जब इतने आंसू और बहाए गए हों. मेबी द टीयर्स दैट यू आर शेडिंग इन पेन एंड सफरिंग, यू मे थिंक दैट नोबडी इज वॉचिंग. हो सकता है कि जो दुख पीड़ा में आप आंसू बहा रहे हैं, सोच रहे हो कि वो कोई देख नहीं. Maybe you have shed tears because you lost your grandparents or maybe your husband. वो आप हो सकता है इसलिए आंसू बहा रहे हो कि आप अपने दादा दादी को खो चुके हो या अपने माँ बाप को खो चुके हो. Or you may be sitting alone and crying because there is no way out for you. हो सकता है अकेले बैठे आप रो रहे हो क्योंकि बचाव के लिए आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा. आई वॉन्ट टू टेल यू, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज कमिंग टू वाइप अवे द टीयर्स परमानेंटली. यीशु आपके आंसू हमेशा के लिए साफ करने को आ रहे हैं. एंड सेकंड थिंग द बाइबल सेज इज देयर शैल बी नो मोर डेथ. और दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन में कही गई है वो ये है कि मृत्यु नहीं होगी. यू नो व्हाट इज द हाईएस्ट किलर इन दिस वर्ल्ड? आज सबसे ज्यादा मौत किस बात से हो रही है? इट इज डेथ अलोन. वो केवल मौत से ही हो रही है. मैन इज ऑलवेज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द डेथ एंड डेथ इज एवर कमिंग क्लोज टू हिम. इंसान हमेशा मौत से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, मौत हमेशा उसके करीब आ रही है. You know, once one pastor, David Jeremiah, was preaching in his church. एक बार डेविड जर्मिया नाम का प्रचारक अपने चर्च में प्रचार कर रहा था. And one of his friend was very old had come to attend his church. उसका एक बहुत बुजुर्ग दोस्त था जो उस चर्च में आया था. And he, after the meeting, came and met the pastor David Jeremiah. और जब वो सभा खत्म हुई तो वो डेविड जर्मिया प्रचारक से आके मिला. एंड ही टोल्ड हिम दैट हाउ गॉड हैज ब्लेस्ड हिम एंड प्रॉस्पर्ड हिम. और उसने आके बताया उसके पुराने दोस्त ने कि उसको कैसे परमेश्वर ने आशीष दी है और बढ़ाया. एंड ही टोल्ड द पास्टर टू कम होम एंड प्रे. और उसने प्रचारक से कहा कि भाई तू घर आके हमारे. ही सेड नॉट ओनली होम, ही हैज अ फार्म हाउस प्लस ही हैज अ प्राइवेट शिप इन द सी. उसके पास सिर्फ एक घर ही नहीं था, उसके एक फार्म हाउस था और समुद्र में एक उसका समुद्री जहाज था. So because he was his friend, Dr. David Jeremiah agreed to go with him. क्योंकि वो उसका दोस्त था, तो ये जो Pastor David Jeremiah वो उसके साथ जाने को सहमत हो गया. And he had a very costly and a beautiful car. उसके पास बहुत महंगी और खूबसूरत कार. So when the pastor sat, that man started driving. वो प्रचारक उसमें बैठ गया और उस आदमी ने उसको चलाना शुरू किया. And the pastor saw an oxygen tank in the car. तो उस प्रचारक ने उस गाड़ी में एक ऑक्सीजन टैंक देखा. So the pastor said, why this oxygen tank in the car? तो उसने पूछा कि भाई ये कार के अंदर ये ऑक्सीजन टैंक क्यों है? That man said, अरे if I die now, until I get the oxygen, at least ambulance can come and take me, so I'll put the oxygen mask. वो कहने लगा कि यदि मुझे कुछ हो भी जाए गाड़ी में तो मैं ऑक्सीजन का मास्क पहन लूंगा और जब तक अस्पताल की गाड़ी आएगी तब तक मैं बचा रहूंगा. His friend said, I have not only become well to do. कहने लगा कि भाई मैं तो अभी मेरे हालात सुधरे हैं. I don't take any risk. मैं कोई खतरा मोल नहीं लेता. So I kept the oxygen tank. इसलिए मैंने ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ. So pastor did not say anything because it was his friend. प्रचारक ने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसका दोस्त था. So when they went to the house, जब वो घर गया, as he opened next to the door, he saw an oxygen tank. तो जब वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि दरवाजे के साथ ही ऑक्सीजन का वो टैंक लगा हुआ है. The pastor said, what is this? कहने लगा कि ये क्या भाई?
He said, no, if I'm in the house, if suddenly something happens, I'll take oxygen till the ambulance comes. तो कहने लगा कि जब मैं घर में होता हूँ यदि अचानक से कुछ हो जाए तो मैं फटाफट ये ऑक्सीजन ले लूंगा ताकि जब तक अस्पताल की गाड़ी आएगी. And he told the patient not only in the house, I have in the office also an oxygen tank, in the farmhouse an oxygen tank, and even the ship an oxygen tank. उसने कहा कि घर में ही नहीं, मेरे दफ्तर में भी ऑक्सीजन टैंक है, फार्म हाउस में भी ऑक्सीजन टैंक है, यहाँ तक के समुद्री जहाज में भी ऑक्सीजन टैंक है. Maybe we don't have oxygen tank. हो सकता है कि हमारा ऑक्सीजन टैंक ना हो. But like that man, we also don't want to die. लेकिन उस आदमी की तरह हम भी मरना नहीं चाहते. Now the technology increased so much, even at the age of 80, people are going and having open heart surgery. तकनीक इतनी बढ़ चुकी है कि 80 साल की उम्र में भी लोग जाके अपने दिल का इलाज करवा रहे हैं. But the Bible says there will be no more death. लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहां मृत्यु नहीं होगी. That is for whom? किन के लिए? Those who accept Jesus. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार. Those who live according to his commandments. जो उसके आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं. Those who live up their unholy and lustful life and come to Christ. जो अपना अभिलाषा भरा जीवन छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे आए. Let me tell you. हम आपको बताना चाहते हैं. If you live a holy life. यदि आप पवित्र जीवन जिएंगे. You will never get scared of death. तो आप मौत से कभी नहीं डरेंगे. Because for a Christian, death is a transformation from the death to the living. एक मसीही के लिए ये जो मौत है वो ऐसे है कि जैसे मौत से आप जीवन की ओर बदल रहे हैं. So you don't need to get scared. आपको डरने की जरूरत नहीं है. If you are living a sinful life. यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं. And if you are living a duplicate life in front of people and God. यदि आप परमेश्वर और लोगों के सामने दोगला जीवन जी रहे हैं. And you are doing things we are not supposed to be doing. जो काम आपको नहीं करने चाहिए यदि आप वो काम कर रहे हैं. And you are seeing those things which you're not supposed to be seeing. यदि आप वो चीजें देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए. You are hearing those things which you're never supposed to hear. जो बातें आपको नहीं सुननी चाहिए वो आप सुन रहे हैं. You will be the most fearful person to die. तो आप सबसे ज्यादा मौत से डरेंगे. So I want to tell you, my brother and sister. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ. Ask God to give you the mercy and grace. आप परमेश्वर से कहिए कि वो आपको आप पर अनुग्रह करे. That to face death when it comes. ताकि आप जब मौत आए तो उसका डट के सामने. You know, whatever you, let me tell you. चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो. You may be the prime minister. चाहे आप प्रधानमंत्री. You may be the manager. चाहे आप मैनेजर हैं. You may be teacher. चाहे आप अध्यापक हैं. Death doesn't show partiality to anybody. मृत्यु किसी के साथ पक्ष. It come to everybody. वो सबके ऊपर आई. And it is coming to you. वो आपके पास भी आ रही. But are you ready to die? क्या आप मृत्यु को प्राप्त करने के तैयार हैं? Because the Bible says he is going to give us immortal bodies. वो बाइबल में लिखा है कि वो हमें अमरता पहना देगा. So what is that we should desire? Why should we desire to go to heaven? हमें स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों करनी चाहिए? There will be no more tears. वहाँ आंसू नहीं होंगे. There will be no more death. वहाँ मृत्यु नहीं होगी. And what is the third thing? और तीसरी चीज क्या है? It shall says and there shall be no more pain. और यहाँ लिखा कि वहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी. You know, we all go through painful experiences. हम सब पीड़ा से गुजरते हैं. And I have gone through painful experience in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत पीड़ा का सामना किया है. You know, one of the painful experience I went was when my old friend cheated me. और सबसे पीड़ा वाला क्षण मेरे लिए वो था कि जब मेरे अपने दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया. Because why? When I and my friend started that business together, he cheated me within 6 days and disappeared with the money. मिलके व्यापार शुरू किया तो मेरे दोस्त ने मेरे से धोखा किया और वो 6 दिन में गायब हो गया. And I could not sleep for 5-6 days. और 5-6 दिन मुझे नींद नहीं आई. I thought I can never come up in life now. और मैंने सोचा कि मैं जीवन में कभी उठ नहीं सकता. Because that's all money I had. क्योंकि मेरे पास केवल वही पैसा था. And adding to that, I didn't have parents to go tell my problems. और सबसे उसके ऊपर जो बात थी वो ये थी कि मेरे माता पिता भी नहीं थे जिन्हें मैं बिपता बता सकूं. जब मैंने ये पढ़ा, there will be no more pain, I was so happy. जब मैंने ये पढ़ा कि कोई पीड़ा नहीं होगी, मुझे बहुत खुशी. Look at the number of pains that come in our lives. आप ये देखेंगे कितनी पीड़ाएं आपके जीवन में आती हैं. If somebody tells bad about you, you feel pain. यदि आपके बारे में कोई बुरा कहे तो आपको पीड़ा होती है. If somebody leaves you and go, you feel the pain. जब आपको कुछ छोड़कर चला जाता है तो आपको पीड़ा होती है. If suddenly some disease comes, you go through pain. अचानक से यदि कोई बीमारी आ जाए तो आपको दर्द होता है, दुख होता है. No, I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Pain comes freely for everybody. पीड़ा सबके लिए मुफ्त में आती है. You don't need to wait. आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं. If you finish solving one pain, another pain will wait and come on the other side. यदि आप एक मुसीबत से पीछे छोड़ा लेंगे दूसरी आ जाएगी. But my brother and sister, मेरे भाई और बहनों,
When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे, there'll be no pain. वहाँ कोई दर्द नहीं. Why there'll be no pain? वहाँ पीड़ा क्यों नहीं होगी? Because first, number one, Satan will not be there. सबसे बड़ी बात और पहली जो बात है वो ये मुख्य बात ये कि वहाँ शैतान नहीं होगा. Because where there is Satan, the Bible says he came to steal, kill and destroy. वचन में लिखा है कि जहाँ शैतान है वो काय के लिए आया? वो चुराने के लिए, मारने के लिए और खत्म करने के लिए आया है. Second thing, why there will be no pain? दूसरी बात, वहाँ पीड़ा क्यों नहीं होगी? Because there will be no more sin. वो ये है कि वहाँ पर पाप नहीं होगा. Because whenever you sin, जब भी आप पाप करते हैं, you give room to Satan to enter. तो आप शैतान को आने के लिए जगह देते हैं. And when you Satan enters, जब शैतान आ जाता है, let me tell you, today or tomorrow the pain will start in your life or in your family's life. तो अब याद रखिए, आज या कल आपके जीवन में, आपके परिवार में पीड़ा शुरू हो जाएगी. When you are young, जब आप नौजवान हैं. When you are strong, जब आप युवा हैं. When you are talented, जब आपके अंदर गुण हैं. Give your 100% to God. तो अपने आप को पूरे तरह से 100% परमेश्वर. So that you enjoy life till the end. ताकि आप अंत तक अपने जीवन का. You know, Satan is a master. शैतान स्वामी है. In the beginning, he will let you control him. और शुरू में वो आपको उस पर नियंत्रण करने देगा. Whatever he says, you say he will do. जो भी आप कहेंगे वो करेगा. Once he knows he's trapped you with that addiction, later on he'll control you. और एक बार से ये पता चल जाए कि आपको इस चीज की लत पड़ गई है, फिर वो आपके ऊपर नियंत्रण कर लेगा. You know, in 1970s and 80s, there was a singer called Elvis Presley. एल्विस प्रिस्ली नाम का एक गायक था ये 70-80 के दशक में. Whenever he used to come on stage and sing any song, oh, people were mad behind him and his songs. जब भी वो मंच पे आके गाना गाता था तो लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते थे. But he lived a different life. लेकिन उसका जीवन बिल्कुल अलग था. He'd get up early in the morning, 4 o'clock. सुबह 4 बजे वो उठता था. He will ask for drugs. वो नशे की नशा लेता था. He would take the drugs and again try to sleep till 6 o'clock morning. नशा लेके वो सुबह 6 बजे तक सोने की कोशिश करता. Then 7 o'clock he'd get up. 7 बजे उठता. He will ask one more dose. तो एक और नशे की डोज लेता. Then he would take some breakfast. फिर वो खाना खाता. Then he'll call the doctor. फिर डॉक्टर को बुलाता. Then doctor will give him some injection so that his day can get kicked off. तो डॉक्टर आके कोई उसको टीका लगाता ताकि वो पूरा दिन उसका चुस्ती से निकले. Then again he will try to practice some songs and sleep. और फिर वो कुछ गानों का रियाज करके फिर सो जाता. Then he will get up at about 4 o'clock in the evening. शाम को लगभग वो 4 बजे करीब उठता. Now his shows will start in the evening. शाम को उसके शो शुरू होते थे. So he will again ask for 4-5 doses of drugs and take. वो 4-5 गोलियां लेके फिर खा लेता. Then he will get full spirit. और फिर वो पूरे जोश में आता. And he used to go sing in that rock music. और फिर वो rock music पे गाता. Young people were mad. और जो युवा पीढ़ी थी उसके पीछे थी. His CDs were sold in millions. उसकी जो CDs थी वो अरबों में बिकी. But he died at a young age. और बहुत नौजवानी के दिनों में उसकी. The doctor who did surgery on him. जिस डॉक्टर ने उसके काटपीट किया. He said, I have never seen a body with so much drugs in the body. मैंने ऐसा कोई कभी शरीर नहीं देखा जिसमें इतनी दवाइयां हो. माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, योर लाइफ आर यू गिविंग टू गॉड और यू गिविंग टू सैटन? आपका जो जीवन है आप वो परमेश्वर को दे रहे हैं या शैतान को दे रहे हैं? सो लिसन टू व्हाट सीएस लुईस सेड. या सीएस लुईस ने जो कहा उसको सुनिए. गॉड विस्पर्स इन आवर प्लेजर्स एंड शाउट्स इन आवर पेन. हमारी खुशी में परमेश्वर हमारे कान में फुसफुसाता है. जब हम पीड़ा में होते हैं तो परमेश्वर जोर से पुकारता है. आई वांट टू अगेन टेल यू, हम आपको दोबारा कहना चाहते हैं. सीएस लुईस सेज, गॉड विस्पर्स इन आवर प्लेजर्स एंड शाउट्स इन आवर पेन. सीएस लुईस कहते हैं कि परमेश्वर जब हम खुशी में होते हैं तो हमारे कान में धीमी आवाज से कहता है, लेकिन हम जब पीड़ा में होते हैं तो परमेश्वर ऊंची आवाज में कहता है. व्हाई थ्रू पेन गॉड इज शाउटिंग एंड टेलिंग यू समथिंग. पीड़ा के समय वो हमें ऊंची आवाज में चिल्ला के क्यों कह रहा है? Maybe God wants you to come out of that sin. हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पीड़ा से बाहर आ जाएं. Maybe God can see that in the long run you're going to suffer. Maybe he wants you to come out of the road. हो सकता है कि परमेश्वर ये देख सकता है कि आने वाले समय में आपको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो चाहता है कि आप उस बुरी आदत से बाहर आ जाएं. So today I want to tell you. आज हम आपको बताना चाहते हैं. Jesus is coming. यीशु आ रहे हैं. He wants to take you from this earth which is filled with pain, tears and suffering to a place where there's no more suffering, tears and pain. वो आपको इस दुख पीड़ा के दुनिया से निकाल के उस संसार में ले जाना चाहते हैं जहां कोई दुख पीड़ा नहीं है.
Why is that so important? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? On the earth, you do anything, you will not be find 100% satisfaction. इस संसार में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होगी. Because where you think there is satisfaction, when you reach there, you'll find there's nothing there. जहाँ पर आपको संतुष्टि दिखाई देती है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा. You know there was one great author who wrote the book, The Eagle Has Landed. एक महान लेखक ने एक किताब लिखी, जिसमें लिखा कि The Eagle Has Landed. बाज जो है वो आ चुका है. That book became New York bestseller. और ये जो किताब थी न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी बिकने वाली किताब बनी. So one of the news anchorman asked him, Sir, how do you feel that your book has become the best selling book in the world? तो एक जर्नलिस्ट ने एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि श्रीमान आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ये किताब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब कैसे हुई? He said, I want to tell you, I thought when I become a great author, I'll be happy, but let me tell you, there's nothing there. तो कहने लगा कि भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा कि जब मैं महान लेखक बन जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ. So why am I telling you this? हम आपको ये क्यों कह रहे हैं? Look at our own lives. अपने जीवन की ओर देखिए. We thought maybe when we finish high school we'll be happy. हमने सोचा कि जब हम 10वीं पास कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. But I realized when I finished high school, I got more worries because I had to finish college. तो जब हमने 10वीं क्लियर की पास की तो मैंने ये महसूस किया कि हमें और ज्यादा चिंता हो गई कि हमें कॉलेज पास करना है. But when I finish college, I thought all I'll be happy. Then after finishing college, started worrying what work I will do. तो जब कॉलेज में था तो मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होते मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे को ये चिंता सताने लगी कि अब काम क्या करूं. When I got a job, I started worrying who will marry me. जब काम मिला तो ये चिंता सताने लगी कि भाई शादी कौन करेगा मेरे से. But once getting married, I got more worried because I have to make my wife happy. तो जब शादी हो गई तो मेरे को और चिंता सताने लगी क्योंकि मेरे को अपनी पत्नी को खुश करना था. And we were worrying when we'll have children. हमारे को ये चिंता थी कि अब बच्चे कब होंगे. When children were born, we started worrying about their future. जब बच्चे मिले तो हमें ये चिंता सताने लगी कि उनका भविष्य कैसा होगा. My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, tears, आंसू, suffering, पीड़ा, worrying, चिंता, disease, बीमारियां, poverty, गरीबी, are not going to end. ये खत्म नहीं होने वाले. Only when we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, everything will come to an end. तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा. You need not do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. You have to only believe in the Lord Jesus Christ. आपको केवल प्रभु यीशु में विश्वास करने की जरूरत है. You have to tell Lord, you save me and give me eternal life. आपको यही कहना कि हे प्रभु, तू मुझे बचा और मुझे आनंदमय जीवन दे. And say, Lord, I believe only in you, not in anything else. आपको ये कहना कि प्रभु मैं केवल तेरे पे विश्वास करता हूँ किसी. Not only in heaven, there will be good times for human beings. स्वर्ग में नहीं, वो इंसान के लिए अच्छे समय होंगे. Only not for human beings, even for animals they'll have good times. केवल इंसान के लिए नहीं, वहाँ पर जानवरों के लिए भी अच्छे समय होंगे. Isaiah 11, 6 and 7, what does it say? यशाया 11 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम देखें तो लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग राह करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा. How heaven is going to be? स्वर्ग कैसा होगा? First there will be no pain. वहां कोई पीड़ा नहीं होगी. There will be no disease. कोई बीमारी नहीं होगी. There will be no fear. डर नहीं होगा. There will be no marriages. शादियां नहीं होंगी. Adding to that, what else? उसके साथ और क्या है? The Bible says the wolf also shall dwell with the lamb. यहाँ लिखा है कि भेड़िया भेड़ के बकरे के बच्चे के साथ होगा. The leopard shall lie down with the kid. और ये जो चीता है वो बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा. The calf and the young lion will be eating together. शेर और जवान शेर और बछड़ा एक साथ खाएंगे. And the most interesting thing is the lion shall eat straw like ox. और सबसे रोचक बात ये है कि वो बैल की तरह शेर जो है वो भी भूसा खाएगा. I don't know, dog is not written there. यहाँ कुत्ते के बारे में नहीं लिखा. But I'm very sure even dogs will be there. तो मेरे को उम्मीद है कि कुत्ते भी वहाँ होंगे. I cannot guarantee whether your dog will go to heaven. ये हम विश्वास नहीं दिला सकते कि आपका कुत्ता स्वर्ग जाएगा कि नहीं. Bible says. लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है. Things are going to be 100% different on heaven. कि स्वर्ग में जो हालात हैं 100%
अलग होंगे. In heaven, all our focus are going to be on Jesus. तो हमारा जो ध्यान है वो केवल यीशु पर केंद्रित है. We will live peacefully and happily there. हम वहाँ बहुत शांतिपूर्वक जीवन. And the greatest thing is there's no more deaths. और सबसे बड़ी बात वहाँ मृत्यु नहीं होगी. There you'll never become weak like on earth. वहाँ आपको जैसे यहाँ पर कमजोर होते हैं वैसे कमजोर नहीं. Shall we ask Jesus to give us eternal life? क्या हम यीशु से कहें कि हमें वो जीवन दें? Shall we tell Jesus give us a holy life? क्या हम यीशु से कहें कि हमें पवित्र जीवन दीजिए? Because Jesus said, with man it is impossible, but with God all things are possible. क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान के साथ जो असंभव है परमेश्वर के साथ वो संभव है. Again the Bible says he is the author and finisher of our faith. और बाइबल में ये भी लिखा है कि वो ही हमारे विश्वास का सृष्टिकर्ता और पूर्ण करता है. So don't try by yourself to live a holy life. अपने हिम्मत से आप पवित्र जीवन की if you want to कोशिश मत कीजिए. If you want to stop drinking, यदि आप पीना छोड़ना चाहते हैं, ask him to give the strength. तो आप उसे कहिए कि वो आपको शक्ति दे. If you want to stop living that sinful life, यदि आप पाप में जीवन छोड़ना चाहते हैं, you ask him to give the strength. तो आप उसे कहिए कि वो आपको शक्ति दे. Don't try by yourself, you'll utterly fail. अपने हिम्मत से कोशिश मत कीजिए आप नाकाम रहेंगे. It is because the Bible itself says, by his grace we are saved, not by our works. वचन में स्पष्ट लिखा है उसके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए अपने कामों से नहीं. So let us pray. आइए प्रार्थना करें. Merciful and a gracious God, अनुग्रहकारी हमारे पिता, Lord, we all desire to come and live in heaven, O Master. स्वामी हम चाहते हैं कि हम सब आकर स्वर्ग में आपके साथ रहें. But Lord, we know that only your bloodshed on the cross and your death can give us eternal life, O Master. प्रभु हम जानते हैं कि जो खून आपने सलीब पर बहाया और आपकी मौत हमें अनंत में जीवन दे. Today I pray for the brothers and sisters who are watching this telecast. जो हमारे बहन भाई आज ये टेलीकास्ट देख रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं. Maybe they're living very casual lives, O Master. हो सकता है कि वो साधारण जीवन जी रहे हो. Maybe they're thinking that life will go on like this, O Master. हो सकता है वो सोचते हो कि जीवन ऐसे चलता जाएगा. But we know, Lord, a Christian journey is not forever journey. It'll come to a halt, O Master. हम जानते हैं प्रभु कि ये जो हमारा मसीह जीवन है हमेशा ऐसे नहीं चलता रहे एक दिन रुकेगा. It has a definite end, O Master. इसके लिए एक निश्चित अंत है. But I pray, Lord, be with his brothers and sisters who are watching. जो हमारे बहन भाई ये देख रहे हैं आप इनके संग होइए. By your mercy, keep them away from sin, O Master. आपने अनुग्रह के साथ आप इन्हें पाप से दूर रखिए. Lord, by your love, keep them away from greed and pride of life. आप इन्हें लालच और घमंड से अपने अनुग्रह से दूर रखिए. Lord, I pray that you be their author and finisher of their faith, O Master. आप इनका विश्वास को बढ़ाइए और उत्पन्न कीजिए. In Jesus name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन.